हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रैक ग्रेड भी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो टुडे वी हैव स्पेशल गेस्ट विद अस मिस देवांशी राणा। सी हैज क्रैक्ड नाबार्ड ग्रेड ए 2023 एग्जाम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू देवांशी। थैंक यू सर। एंड टुडे सी विल शेयर हर जर्नी दैट हाउ सी हैज क्रैक्ड दिस एग्जाम्स, हाउ सी हैज प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जाम। एंड लेट मी इंट्रोड्यूस हर। She has completed BSc in agriculture, currently working as a agriculture field officer with the Union Bank of India. So, Divyansi, we would like to know your journey, that how you prepared, means आपने कैसे prepare किया था ये exam, like phase one से चल start करते हैं। जी और सबसे पहले, उससे पहले कि जैसे आज के टाइम पे मतलब कोई भी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज सर्च करता है कि मुझे किस प्लेटफॉर्म से प्रिपरेशन करनी है, तो आपने क्रैक क्रैक ग्रेड भी ही क्यों चुना? मतलब फर्स्ट ऑफ इतने सारे ऑल प्लेटफॉर्म हैं और एग्रेसिव मार्केटिंग्स भी है, तो क्रैक ग्रेड भी ही क्यों चुना? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड आफ्टरनून एंड थैंक यू फॉर दिस इंट्रोडक्शन। सर, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 3 साल पहले जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ था बीएससी एग्रीकल्चर। तो सर, स्टार्टिंग में तो हमारा मेनली फोकस एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स का होता है कि मतलब AFO एक बहुत कॉमन एग्जाम होता है हमारे बीच में। तो उस टाइम मैं एग्जाम की प्रिपरेशन करते करते नबार्ड भी, मैंने मेरे को पता चला कि एक नबार्ड का एग्जाम भी होता है। तो स्टार्टिंग में मैंने जर्नलिस्ट में ही भरा था, तो उस टाइम मेरा हुआ नहीं था। प्री मैंने निकाला पर मेरा मेंस नहीं हो पाया था, इतना प्रिपरेशन था नहीं। लेकिन उसके बाद मैंने काफी सर्च किया कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्री मेंस एंड इंटरव्यू। तो उसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट भी मैंने अपना जर्नलिस्ट में दिया। तो क्रैक ग्रेड बी का सर उसी टाइम नया नया आया हुआ था और मैंने आपका कोर्स लिया था। तो उस टाइम मतलब जो आपका स्कीम्स थी, स्कीम्स और बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में भी थी। और ये कोर्स एक तो बहुत अफोर्डेबल भी था एज कम्पेयर टू अदर सोर्सेज, जहाँ पे 10-10,000 रुपीज में भी कोर्सेज मतलब मिल रहे थे। तो उस टाइम इतना मेरे पास था नहीं कि मैं 10-10,000 के कोर्सेज लूँ और फिर तैयारी शुरू करूँ। तो फिर मैंने यहीं से अपनी जर्नी शुरू करी कि मतलब यहीं से एक ही सोर्स पकड़ूंगी और उसको बार बार रिवाइज एंड रिवाइज करूंगी। सो सर, जब मैंने प्री का शुरू किया तो मेरा मेन फोकस था PIB, और वहीं से फिर मैं स्कीम्स भी वहीं से करती थी और PIB और स्कीम्स बहुत ज्यादा फोकस करा। एग्रीकल्चर तो मेरा ऑलरेडी ग्रेजुएशन था तो मैं उसको बस रिवाइज करती रहती थी, और बैंकिंग की तो मैं तैयारी कर ही रही थी, तो क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश तो मैं साथ में कर ही रही थी प्रिपेयर। सो उसके बाद फिर मेरा प्री हुआ, फिर मेंस हुआ, इंटरव्यू भी दिया लास्ट ईयर, बट जब आई थिंक इतना अच्छा सा अच्छे से गया नहीं था तो आई लैक समवेयर। सो फिर मैंने इस बार फिर से दिया, मतलब मेरा इस बार RDO में हो गया एज अ रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर यूनियन बैंक में। सो टाइम एक कंस्ट्रेंट रहता है ऑब्वियसली जब जॉब में होते हो आप तो। लेकिन सर, आई डोंट थिंक कि मतलब 3 से 4 घंटे अगर आप अच्छे से दोगे फोकस के साथ तो कोई भी एग्जाम निकालना इतना मुश्किल नहीं होता। सो मैंने अपनी जॉब में भी यही सोचा था कि मैं मतलब यहाँ कंफर्टेबल नहीं होंगी, क्योंकि मेरा अल्टीमेट एम नबार्ड जाना ही था। तो मैंने फिर से तैयारी शुरू की, फिर अपना जॉब के बाद आती थी शाम को, मैं फिर से वही वैसे ही PIB पढ़ती थी, स्कीम्स को रिवाइज करती थी, पर मेरे पास टाइम ऑब्वियसली कम था। तो जो आपके जो मतलब MCQs की एक सीरीज आती है लास्ट में प्री से पहले कुछ दिन पहले, और टॉप 100 और टॉप 50 क्वेश्चंस, तो मैंने उन्हीं को पढ़ा और मतलब लकीली इस बार काफी क्वेश्चंस आए थे, तो मेरा लकीली प्री भी हो गया और काफी अच्छे से दिया था, मैंने तैयारी भी अच्छी की थी। मेंस के लिए मैं इतना तैयार नहीं कर पाई थी, बट हाँ मैंने प्री से पहले काफी टाइम दिया था तो मेरा मेंस भी अच्छा गया डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि हम बैंक में होते हैं तो हमारी वैसे भी टाइपिंग प्रैक्टिस हो जाती है काफी। सो इतना कोई हर्डल नहीं था मेरे लिए मेंस के लिए। फिर आता है इंटरव्यू, सो आई गेस इंटरव्यू में मेरा वर्क प्रोफाइल भी काफी काम आया था, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक रूरल ब्रांच में काम करती हूँ और एक रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर भी हूँ। सो मेरा इंटरव्यू इसी के अराउंड घूम रहा था इस बार, तो आई थिंक ये काफी हेल्पफुल रहा मेरे लिए। सो यस सर, ये मेरे सोर्सेस थे। तो फेज वन में ही ना एक जैसे ESI, ARD और GA मेरिट सेक्शन है, दूसरे जी सब्जेक्ट्स क्वालिफाइंग है,
तो डिसीजन मेकिंग और एक कंप्यूटर अवेयरनेस, इसमें देखा है कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, उसका सेक्शनल कट ऑफ ही नहीं निकाल पाते हैं। तो इन सब्जेक्ट्स के लिए क्या सोर्सेज यूज किए थे स्पेसिफिकली, ये कंप्यूटर अवेयरनेस और डिसीजन मेकिंग? सर मैंने कोई पर्टिकुलर नहीं फोकस किया उसके लिए. डिसीजन मेकिंग का तो जो आपका था, एक आपने बनाया हुआ था लास्ट में पूरा कंपाइलेशन, वही पढ़ा था. क्योंकि मेरे को नहीं लगता इससे ज्यादा अगर आप पढ़ोगे तो कोई मतलब, क्योंकि एक तो आपका पासिंग का था, मतलब आपको मेरिट सेक्शन तो था नहीं, सो यू हैव टू जस्ट टेक 3 to 4 marks इन दैट सेक्शन. आपको इसमें टॉप तो करना नहीं है. सो मैंने मतलब जब मेरा एक प्री को 1 month रह गया था तो इसको मैंने एक बार पढ़ लिया. फिर लास्ट के जो मेरे 10 days थे उसमें एक बार फिर से उसको रिवाइज किया था. सेम फिर कंप्यूटर के लिए भी ऐसे ही किया था मैंने. ज्यादा उसके लिए कुछ और छोटे उसको नहीं प्रेफर किया. और सर क्वांट और रीजनिंग के लिए मैंने अड्डा के जो शॉर्ट मॉक्स होते हैं वही लगाए थे. सेम फॉर द इंग्लिश एंड एग्री का तो सर मेरा था ही बैकग्राउंड, तो मेरे पास अपने नोट्स भी थे, कुछ आपके नोट्स भी मैंने प्रेफर किए थे. डिस्क्रिप्टिव बहुत अच्छा है जैसे आपका, तो मैंने वो काफी मतलब फॉलो किया था. और ESI के लिए आई थिंक जिस जो बहुत रेगुलरली PIB और स्कीम्स को मतलब पढ़ता है, मेरे को लगता है उससे ज्यादा कोई और चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है. अगर PIB फॉलो कर रहे हैं और GA आप रेगुलर पढ़ रहे हो तो फिर इससे ज्यादा कोई फोकस करने की जरूरत नहीं है. हाँ ने मंथ्स का PIB फॉलो किया था, ये भी एक जनरल क्वेश्चन आता है। सर टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से, वैसे तो कहते हैं कि 8 to 10 months करना चाहिए, बट मेरे पास टाइम कम था तो मैंने सिर्फ 6 months का ही पढ़ा था. और जो ज्यादा फोकस मैंने दे के पढ़ा था वो 4 months को बहुत अच्छे से रिवाइज किया था. वैसे 6 months फॉलो किया था मैंने. और GA के लिए सिर्फ 3 months जो करंट के होते हैं, लास्ट के 3 months वो बहुत अच्छे से पढ़े थे. तो उसके लिए मैंने एक आपका भी फॉलो किया था और एक अफेयर्स क्लाउड का जो कंपाइलेशन होता है वो भी फॉलो किया था स्पेशली फॉर GA. सब बस यही सोचेस थे मेरे. जैसे कि स्कीम्स हैं और PIB भी पढ़ रहे हैं हम, बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारे फैक्ट है, तो याद रखना पाना बहुत सारे स्टूडेंट चैलेंज फेस करते हैं कि इसको कैसे याद रखा जाए, इतने सारे फैक्ट्स हैं। तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी आपने फॉलो की थी कि इसे फैक्ट्स हैं स्कीम्स के वो याद रह जाएं, क्योंकि एग्जाम में भी हमने देखा है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स ही आते हैं जनरली स्कीम से रिलेटेड। जी सर. सर जैसे अगर आप 1 month का PIB का कंपाइलेशन उठाते हो तो उसमें आपको कुछ स्कीम्स खुद ही मिल जाएंगी कि कौन सी स्कीम आजकल ज्यादा चल रही है. पहले तो स्कीम को अच्छे से पढ़िए, वहां से भी उस स्कीम को फिर एक थॉरो पढ़िए, बार बार पढ़िए उसको. जितना बार पढ़ेंगे आई थिंक उसका उतना ही आप फैक्ट्स को जल्दी याद रख पाएंगे. जैसे PM विश्वकर्मा बहुत ज्यादा आई थी इस बार एग्जाम में भी आई थी वो, उसके बहुत डिटेल में पूछा गया था और वो PIB में भी बहुत आ रही थी, तो आई थिंक वहां से कुछ आइडिया लग जाता है. और जैसे आपका एक एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की स्कीम्स का बहुत थॉरो में दिया हुआ है इस बार, जैसे मेंस में भी बहुत थॉरो में पूछा हुआ था स्कीम्स का. तो वो जो जैसे अब नबार्ड का मेन फोकस होता है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एंड सोशल इश्यूज, तो ये जो यहाँ से रिलेटेड स्कीम्स है आई थिंक इनको तो थॉरो पढ़ना चाहिए और इनको बार बार रिवाइज कर लेना चाहिए. बाकी जो आपको जैसे हर मिनिस्ट्री की सारी स्कीम्स पढ़ने लग पड़ते हैं, मैंने कुछ को देखा है कि सारी स्कीम्स बोलेंगे यहाँ से भी पढ़ लो वहां से पढ़ लो. आई थिंक इतना मतलब जरूरत नहीं होता, क्योंकि नबार्ड का हर साल का ट्रेंड देखा था मैंने. तो मैंने देखा था कि कुछ उनकी जो एक बोलते हैं अम्ब्रेला स्कीम्स होती हैं जैसे, कुछ वो ज्यादा पूछते हैं वो, और जो अभी ट्रेंडिंग स्कीम्स होते हैं वहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं. मेनली कई बार होते हैं PIB से पूरा पैराग्राफ उठ के आ जाते हैं. तो आई थिंक सर इतना मतलब यहीं से पढ़ोगे तो काफी है, और बार बार रिवीजन इज द की. एग्रीकल्चर के लिए भी मैं डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि एग्रीकल्चर में भी क्या है कि सिलेबस में टॉपिक मेंशन है, बट अगर हम डिटेल की बात करें तो सिलेबस कंटेंट अनलिमिटेड है। सपोज हम फिशरीज पे पढ़ने लग जाएं तो कंटेंट का कोई एंड नहीं है। सिमिलरली एग्रोनॉमी पे है, एनिमल हस्बेंड्री पे है, क्योंकि डिग्री कोर्सेज ही 4 ईयर्स के होते हैं एक एक सब टॉपिक पे। यस सर. इसमें कैसे फिल्टर आउट किया था आपने कि इतना ही कंटेंट तक मुझे लिमिटेड पढ़ना है? और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी क्या करते हैं, गलतियां करते हैं कि बहुत सारी बुक्स रेफर करने लग जाते हैं जहां से भी कंटेंट मिल रहा है, और बहुत ज्यादा कंटेंट पढ़ने लग जाते हैं। तो क्या इस एग्जाम के लिए इतना पढ़ना, मतलब इतना कंटेंट की जैसे बुक्स को रेफर करना
और बहुत डेप्थ में पढ़ना हर एक टॉपिक को, क्या ये इस एग्जाम के लिए मतलब बेनिफिशियल है या नहीं? सर, जब मैं मतलब पहले मेरा मैंने एफओ के लिए प्रिपरेशन किया था, सो मेरा थोड़ा सा होल्ड था एग्रीकल्चर पे, बट मैं जो कहते हैं कि बहुत सारी बुक्स आई थिंक फॉलो करना इज नॉट द की इवन फॉर, मैंने एफओ के लिए भी इतना नहीं पढ़ा था क्योंकि एग्जाम वो डिमांड नहीं करता आपका डेप्थ नॉलेज प्री में स्पेशली. जब जर्नलिस्ट की पोस्ट के लिए एग्जाम क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो उस सब चीज को लेके चल रहे हैं कि वहां पे नॉन एग्रीकल्चरिस्ट भी होंगे. आई थिंक सो जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस एंड ये जो तीन सब्जेक्ट्स हैं ये बहुत कॉमन से सब्जेक्ट्स और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से आ रहे थे हर साल. तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हुए थे तो सर वहां से आइडिया लग जाता है कि कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो ये जो तीन सब्जेक्ट्स हैं इन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए. फिर माइनर सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे कि फॉरेस्ट्री, फिशरी हो गया आपका, फिर बाकी जैसे ये जो तीन चार सब्जेक्ट्स हैं इन पे थोड़ा कम फोकस भी करेगा तो चलेंगे, लेकिन बार बार रिवीजन करेंगे एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, तो यहाँ पे इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो इतना ज्यादा आई थिंक ज्यादा बुक्स को रेफर करने की जरूरत नहीं है, आप एक आधा सोर्स पकड़ो और उसी को बार बार रिवाइज करो. सो बहुत है इतना आई थिंक. डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की बात आती है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी बहुत मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सिलेक्शन में, क्योंकि आपका 100 मार्क्स का इंग्लिश और 50 मार्क्स का ESIIL डिस्क्रिप्टिव है। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट आपने फॉलो किया था, या किस टाइप से मतलब एडवाइस करना चाहोगे कि जो फ्यूचर एस्पायरेंट्स हैं उनको कि कैसे डिस्क्रिप्टिव लिखना चाहिए? सर लास्ट ईयर से मैं जैसे मैं आपको बता ही रही थी कि मैं पिछले साल भी अटेम्प्ट किया था, सो मैंने काफी तैयारी की थी. जैसे आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस करे थे मैंने, बहुत अच्छा कंटेंट लगा था मुझे एग्रीकल्चर का स्पेशली क्योंकि इतने अच्छे क्वेश्चंस मेरे मिले नहीं थे. तो एक और सोर्स था वहां से भी किए थे. इस साल मैं इतना कर नहीं पाई थी, लेकिन हाँ जब एग्जाम्स आप प्री की प्रेपरेशन कर रहे हो तो आप तभी से डिस्क्रिप्टिव की जो है टाइपिंग वहां से शुरू कर दो क्योंकि प्री और मेंस के बीच में इतना टाइम मिलता नहीं है कि आप टाइपिंग प्रैक्टिस तब करना शुरू करो और साथ में आप मटेरियल भी पढ़ रहे हो, उसको रिवाइज भी कर रहे हो. तो टाइपिंग प्रैक्टिस जो होती है उसको आप पहले ही शुरू कर दो, फिर प्री के बाद आप जो है अपना मेनली रिविजन शुरू कर सकते हो. सो मेरा यही होल था कि मैं पहले ही शुरू कर दिया था टाइपिंग पे और थोड़ा टाइपिंग सर बैंक में आके तो वैसे ही थोड़ा हो जाता है बेटर, तो बस यही था मेरा अप्रोच. क्वेश्चन में स्पेसिफिक को लिखने में मतलब क्वेश्चन को जैसे जनरल एक एक्सेप्टेड रूल है कि पहले इंट्रोडक्शन, फिर मेन बॉडी, फिर कंक्लूजन, या यस पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखते हैं, या कुछ स्पेसिफिक एडवाइस, या आपने क्या फॉलो किया था कि कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं उसमें मान लो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि डेटा को मेंशन करते हैं, कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स को, इनिशिएटिव्स को, एग्जाम्पल्स को मेंशन करते हैं, तो किस तरह से जो है कि डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने चाहिए फ्यूचर एस्पायरेंट्स को स्पेसिफिकली? जैसे सपोज एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि व्हाट इज सोशल फॉरेस्ट्री के ऊपर जैसे बहुत क्वेश्चन आ रहा था, उसके सब पार्ट्स होते हैं. सो मेरा अप्रोच ये होता था कि हमको वर्ड लिमिट को भी दिमाग में रख के चलना होता है. सो उसको ऐसे एक्सप्लेन करना होता है कि जैसे हमने इंट्रोडक्शन दे दिया उस क्वेश्चन का कि सोशल फॉरेस्ट्री के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, अगर मेंशन है क्वेश्चन में तो आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है. इससे क्या होता है वर्ड लिमिट भी कवर करते हैं और हमेशा मैंने अपने जो क्वेश्चन आंसर किए हैं वो पॉइंट्स में ही मैंने ज्यादा फॉलो किया था. और सेकंड थिंग कि ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए. मैंने जब भी देखा है कि जितने आप ग्रामेटिकल एरर्स करोगे उतने डिस्क्रिप्टिव में मार्क्स थोड़े कम ही आए हैं. तो मैंने उस पर बहुत काम किया था कि मैं अपने जितना हो सके अपने ग्रामेटिकल एरर्स पे काम करूँ, कम से कम करूँ. क्योंकि आप जितना ऐसा नहीं होता कि आप मतलब अपना वर्ड लिमिट को पूरा कर लो और बहुत ज्यादा एरर्स वहां पे हो जाएं तो भी आपको उतने मार्क्स नहीं मिल पाते हैं. तो आई थिंक एक होता है आपका कंटेंट एंड सेकंड इज द ग्रामेटिकल एरर्स. ये दो चीजें इसको माइंड में लेके चल के तो आपका डिस्क्रिप्टिव बेटर हो सकता है. सो ये मेरी अप्रोच थी यहाँ पे. तो दिव्यांशी, इस बार इंटरव्यू के लिए जा मतलब इंटरव्यू अपीयर होने से पहले लास्ट टाइम जैसे इंटरव्यू में मार्क्स अच्छे नहीं मिले, तो एक डर तो था माइंड में कहीं ना कहीं कि कहीं इस बार भी कुछ मिस्टेक ना हो जाए, तो उसको कैसे हैंडल किया इस स्ट्रेस को? जी सर,
सर पिछली बार तो ऑब्वियसली प्रिपरेशन काफी था क्योंकि मैं प्रिपरेशन फेज में ही थी उस टाइम, जॉब नहीं था मेरे पास. तो यस हाँ, इस बार थोड़ा सा डर था माइंड में कि मतलब मेरा पिछली बार भी अच्छे मार्क्स नहीं आए तो इस बार में क्या मतलब. तो मैंने मतलब अपने पिछले जो गलतियां थी उस पर ज्यादा फोकस किया कि मतलब मैं कैसे आंसर करती हूँ उसको और कैसे इम्प्रूव कर पाऊँ, उसके ऊपर काम किया. फिर वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, मेरा एक एक्सपीरियंस था तो मैंने उस पर और ज्यादा काम किया कि मैं उसको कैसे अपना बेटर आंसर कर सकती हूँ, उसको बेटर वे से बोल सकती हूँ. और थोड़ा सा मुझे पता था कि मेरा जॉब प्रोफाइल के अराउंड तो रहेंगे क्वेश्चंस, तो मैंने उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था ना. जॉब में क्या है, कितना मैं सेंक्शन कर रही हूँ, क्या मेरे लूप होल्स हैं जॉब में, वो सब कुछ मैं अच्छे से तैयार करके गई थी. सो मतलब वही था मेरा सर मेन फोकस, और बस अपना कम्युनिकेशन और बेटर किया था सर, इतना मैंने बस. ये इंटरव्यू का मीडियम क्या था, इंग्लिश या हिंदी? सर मेरा इंग्लिश ही था इंटरव्यू ओके मीडियम. हाँ जी ओके ओके ओके। और जब लास्ट टाइम और इस टाइम के इंटरव्यू में कुछ, मतलब कि लास्ट टाइम क्या मिस्टेक रह गई थी, ये मतलब कर दी थी इंटरव्यू में, या इस बार उसमें इम्प्रूवमेंट, कुछ ऐसा मेजर डिफरेंस क्या था? सर, कॉन्फिडेंस इज द की किसी भी एग्जाम को एक्सेल करने के लिए. कोई इंटरव्यू है सो मैं थोड़ा सा घबरा गई थी, आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है. सो वो शायद एक नेगेटिव चला गया था मेरी साइड से, क्योंकि आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो अपने आंसर्स को लेके, मैंने तो मेरे को नहीं लगता वो आपको मतलब उस वे में लेंगे कि यस ये मतलब आगे मतलब कर सकते हैं. तो मेरे को उस चीज पे था कि मैं इस बार कॉन्फिडेंट होके ही आंसर्स दूंगी. वो मेरा एक प्लस पॉइंट था इस बार कि मैं घबराई नहीं, थोड़ा अच्छे से दिया मैंने इस बार की, बहुत इम्प्रूव किया था. और सर मैंने काम भी काफी किया इस चीज पे. थोड़ा नर्वसनेस तो होता है लेकिन उस टाइम मतलब हमें आंसर्स को रिलेट करके ही बोलना होता है विद कॉन्फिडेंस, बस यही की है सर. दूसरा, आपका शायद वर्क प्रोफाइल ने भी इस बार हेल्प किया होगा, क्योंकि लास्ट टाइम आप वर्किंग नहीं थे, तो यस सर, थोड़ा हेल्प कोई, होता है सर उस चीज का हाँ तो. हाँ कोई और सर्टिफिकेशन तो नहीं है आपके पास कोई स्पेसिफिकली? सो मेरा प्रोफाइल भी अच्छा था, जैसे हाँ हाँ मैं हाँ गोल्ड मेडलिस्ट भी थी अपने ग्रेजुएशन में, फिर नेशनल्स लगाए थे गेम स्पोर्ट्स, तो उस चीज का भी आई थिंक थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा होगा उस चीज का भी. बाकी वर्क प्रोफाइल तो था ही सर, तो इन कुछ चीजों का. और बाकी हमने कॉन्फिडेंस है तो बेटर, आप नॉलेज है आपके पास और आप कॉन्फिडेंस है तो फिर आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कुछ. एंड वन मोर थिंग कि आप वर्किंग प्रोफेशनल भी थे इस बार, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? सर जैसे मैं 6 या 7 बजे आती थी बैंक से, तो उसके बाद बहुत ज्यादा थक जाते हैं आई नो, बैंक में बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं. मैं थोड़ा सा रेस्ट लेती थी और मैं उसके बाद अपना 3 घंटे का स्केड्यूल बनाती थी कि मुझे कैसे कैसे पढ़ना है. तो मैं उस चीज को जो मेरे सबसे वीक एरियाज थे मैं उसी को पढ़ती थी ज्यादा, क्योंकि मेरे को लगता था जैसे PIB जो है करंट है तो उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको. मतलब मेरी जुलाई या अगस्त से मैंने स्टार्ट कर दिया था वो पढ़ना, तो मैं साथ साथ में उसको फॉलो करती थी और पढ़ती रहती थी. तो बस यही था. और सुबह मैं थोड़ा जल्दी उठ जाती थी, बस थोड़े रूटीन चेंजेस किए अपना, थोड़ा टाइम निकालना शुरू किया, जैसे जैसे एग्जाम पास आता गया तो और ज्यादा टाइम देना शुरू किया. बस सर यही था, बस यही से फॉलो किया मैंने. तो इस दौरान में जब एग्जाम मतलब एग्जाम चल रहे थे या फेज वन के टाइम पे, इससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि छुट्टी ले लेते हैं जॉब से, तो या जॉब कंटिन्यू रखी थी? नहीं, सर छुट्टी तो नहीं मिलती है, मैं अभी न्यूली ज्वाइन किया था तो मेरे पास तो वैसे छुट्टियां नहीं थी. हाँ एक कंस्ट्रेंट तो होता है, पर मैंने ये दिमाग में सोचा ही नहीं कि वो लोग भी हैं जो भी मतलब घर पे बैठ के पूरा टाइम फुल टाइम तैयारी कर रहे. मैं बस यही सोच रही थी कि मुझे इस बार बस क्लियर करना है, मेरे दिमाग में बस यही चीज थी. मैंने वो चीज सोची कि मैं अपने आप को कैसे बेटर बना सकती हूँ, मेरे दिमाग में बस वो चीज थी कि इस बार मुझे अपने लिए करना है और करना है. मतलब मैंने बहुत पिछले 2 सालों में काफी तैयारी की थी तो मुझे वो फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने कहा इस बार करूंगी मैं, बस यही था सर मेरे दिमाग में. और इम्पोर्टेंट चीज है कि सोशल मीडिया, तो इससे अपने आप को कैसे, मतलब ये भी काफी टाइम वेस्ट हो जाता है, मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट फेस करते हैं इसमें, कि इंस्टाग्राम हुआ, व्हाट्सएप हुआ, टेलीग्राम, टेलीग्राम पे सबसे ज्यादा आजकल टाइम वेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो इन चीजों से अपने आप को कैसे दूर रखा? सर जैसे मैं ब्रांच में भी होती थी, मैं जिस जिस जितना भी टाइम फ्री होता था मैं वहां पे भी मॉक्स लगा लेती थी.
या कोई न्यूज आ रही है, कोई जीए के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं वहां पे सॉल्व करती थी. कभी कंप्यूटर के 10 क्वेश्चंस लगा लिए जब भी मेरे को फ्री टाइम मिलता था. ऑल्दो मैं एडवांसेस में थी, बहुत काम होता था, बट टाइम निकालना ही पड़ेगा सर, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है, तो पता ही था. तो बस वही है कि जहां जहां मुझे टाइम मिलता था मैं निकालती थी और मैं पढ़ लेती थी जैसे जैसे मुझे टाइम लगता था. हाँ सर, इंस्टाग्राम और फेसबुक बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, और उससे थोड़ा सा मतलब दूर तो रखना ही पड़ना था, कि एग्जाम जब जितना नजदीक आया मैंने उतना अपने आप को और ज्यादा मोटिवेट किया पढ़ाई के लिए, तो उतना और ज्यादा फोकस किया बस. टेलीग्राम पे भी देखा है कि कोई भी मटेरियल आ रहा है उसको कलेक्ट कर लेते हैं, उससे पढ़ने लग जाते हैं, मतलब एक सोर्स पे रिलाई नहीं करते हैं, एक वो डर रहता है कि कहीं कुछ मिस ना हो जाए। तो इस एग्जाम में अगर आपने 2 बार इंटरव्यू दिया है, तो आपको ऐसा लगता है कि इसमें मल्टीपल सोर्स की रिक्वायरमेंट रहती है इस इन एग्जाम्स के लिए? सर नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने ऐसे ही किया था, मेरे पास बहुत टाइम होता था, तो मैंने कोई 3 सोर्सेस लिए थे, और बहुत तीनों सोर्सेस से मैं पढ़ती थी सर. लेकिन जब आप रिवीजन पे आते हो ना, तो आप पजल हो जाते हो कि आप कहाँ से रिवाइज करोगे, तो ये मेरी एक गलती भी रही थी मुझे ऐसा लगता है. ऑल्दो मेरा हो गया था मेन्स में क्लियर, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप एक सोर्स पे रिलाई कर रहे हो. हर आजकल हर कोचिंग इंस्टीट्यूट सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, इवन PIV स्कीम, सब कुछ सेम सेम ही होता है, किसी का बेटर होता है किसी का कम, लेकिन सब कुछ सब प्रोवाइड कर रहे हैं. मेरे हिसाब से आपको रीडिंग सोर्स जो है सोर्स एक ही रखना चाहिए, वहीं से आप रिवाइज करो, वहीं से बार बार पढ़ो. हाँ, मॉक जो क्वेश्चंस होते हैं आप ले सकते हो मल्टीपल सोर्सेस से प्रैक्टिस करने के लिए, जो मैंने भी की थी इस बार. तो मेरे को नहीं लगता ऐसे ज्यादा मटेरियल पाइल अप करने से मतलब बहुत वो कोई बेनिफिट होता है. मेरे हिसाब से एक ही मतलब सोर्स रखना चाहिए. देवांशी, एक और क्वेश्चन बस मैं पूछना चाहूंगा कि आपने जैसे शुरू के 2 अटेम्प्ट में आप क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, एंड थर्ड इंटरव्यू, फिर फोर्थ इंटरव्यू में सिलेक्शन, तो अपने आप को मोटिवेट कैसे रखा? क्योंकि फर्स्ट टाइम में प्री नहीं निकला, सेकंड टाइम में नहीं हुआ, थर्ड टाइम में नहीं हुआ, तो एक मतलब बार बार जो रिपीटेड फेलियर्स होते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं एक डर पैदा हो जाता है कि इस बार भी एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो अपने आप को मोटिवेट कैसे रखा? सर जैसे मेरा, मैं बता रही थी आपको कि मेरा ग्रेजुएशन हुआ था, तो मैंने मास्टर्स में एनरोल कर लिया था, फिर मैंने एग्जाम्स की तैयारी का सोचा, उसके बाद एग्जाम शुरू कर दी तैयारी. सर अगर हम एक बार नहीं हो रहे, 2 बार नहीं हो रहे, लेकिन हम इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हमें पोटेंशियल नहीं है, बस हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं. तो मेरे अंदर भी वही था कि मैं कहाँ से बेटर करूँ, कैसे इम्प्रूव करूँ, क्योंकि आज इतना कंपटीशन है. लेकिन एक गवर्नमेंट जॉब लेना एक बहुत बड़ा प्राइड की बात होती है. मेरे लिए भी वही था कि मतलब नबार्ड में जाना है, क्योंकि एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के ड्रीम के बराबर होता है ये. मेरा पहले से ही था कि जाना है यहाँ पे, तो मैंने काफी तैयारी की, बहुत मेहनत की. नहीं हो रहा था सर, हर बार 2 दिन बुरा लगता था, रोते भी थे, लेकिन वही है, खुद को स्टैंड करना पड़ता है, वो अपने आप को मोटिवेट करना, खुद को ही मोटिवेट करना पड़ता है. आई थिंक ये वीडियोस देख के भी इतना मोटिवेशन नहीं मिलता, वो अंदर से ही आता है आपको. आप जितनी और ज्यादा तैयारी करोगे और मेहनत करोगे, आई थिंक होगा सर, कभी ना कभी तो होता है, और वो निकलता ही है एग्जाम, तो फिर वही मोटिवेशन था मेरा भी. इस बार रिजल्ट आया तो उस टाइम कैसा फील हुआ? मतलब कि अपना रोल नंबर लिस्ट में देख के, लिस्ट देखने से पहले डर भी लग रहा होगा। मैं तो बैंक में ही थी तब, तो मेरे फ्रेंड का कॉल आया कि तेरा हो गया, तो मुझे लगा कि वो मजाक कर रहा है और झूठ बोल रहा होगा. मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा. तो नहीं, कहता तेरा रोल नंबर ये है तो तेरा हो गया है. मैंने कहा चल ठीक है, मैं देखती हूँ. तो मैंने जब लिस्ट देखी तो हाँ, मेरा रोल नंबर था, मुझे याद था अपना रोल नंबर. तो मैंने कहा शायद मुझे गलत याद होगा, फिर मैंने अपना मैसेज और मेल्स खोली, वहां से रोल नंबर चेक करा, तो वही था. मुझे विश्वास नहीं हो रहा था सर, मैंने 5 बार अपना रोल नंबर देखा, तो हाँ सर, मतलब विश्वास तो नहीं हो रहा था कि हो गया, पर बहुत अच्छा लगा. फिर मैंने घर पे कब तो बात है की, मम्मा कि पापा को बताया. जी हार्डवर्क एक दिन तो रिजल्ट लेके ही आता है, मतलब आप कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करते रहो तो रिजल्ट मिलता ही। एग्जैक्टली सर, हमें मतलब बीच में ये जो लिंक है ये तोड़ना नहीं चाहिए, कि हम सोचते नहीं हो पा रहा, छोड़ो अब नहीं करेंगे. आई थिंक करते रहना चाहिए तैयारी.
अगर मैं बीच में बीच सोचती कि मेरा बैंक में हो गया यार, अब छोड़ो क्या करना, जॉब तो लग गई है, तो शायद मैं भी नहीं कर पाती, वो तैयारी छोड़ देती तो सर मुश्किल हो जाता है फिर। आप एक साल का भी गैप ले रहे हो बीच में तैयारी का, तो आई थिंक थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर नहीं हो पाता। दिवानसी, एक एडवाइस, लास्ट एडवाइस सेशन खत्म करने से पहले, कि जो फ्यूचर एस्पायरेंट्स हैं उनको आप देना चाहेंगे? सो मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो इतने फेलियर्स के बाद। सो अपने आप को कभी डीमोटिवेट मत करिए, और किसी की मत सुनिए, किसी रिलेटिव की मत सुनिए कि नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाएगी। अपने ऊपर विश्वास रखिए, फेलियर्स सबकी लाइफ में आते, अगर आप फेलियर्स ही नहीं देखोगे तो उसका टेस्ट कैसे पता लगेगा कि ये इतना अच्छा है, ठीक है। और उस चीज की कभी कदर भी नहीं कर पाओगे कि जो चीज मुश्किल से मिलती है ना, उसकी कदर भी बहुत होती है लाइफ में, जैसे मुझे है। और बस अपने एक अपने आप को कंसिस्टेंट रखिए, हार्डवर्क करते रहिए, क्योंकि हार्डवर्क ही की है, ये सच बात है। कंसिस्टेंसी रखिए, बहुत ज्यादा सोर्सेस पे फोकस मत करिए, एक सोर्स को पकड़िए, उसको बार बार पढ़िए, रिवाइज करिए, और जो क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर उसको पक्का पढ़ के जाइए, देख के जाइए किस तरह का पैटर्न है। अगर आपको पैटर्न पता है ना पेपर का, तो कोई भी एग्जाम आप इजीली कर सकते हो। सो पैटर्न समझिए, फिर तैयारी शुरू करिए, और एक सोर्स पे रहिए, और बस प्रैक्टिस करते रहिए। मेरे हिसाब से बस सर इतना बहुत है। थैंक यू दिवांशी फॉर दिस वंडरफुल सेशन, थैंक यू सो मच। एंड आई विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर जर्नी, थैंक यू सो एंड मच। कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।